नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की ओर, जहां प्रतापगढ़ के कुंडा में मिला नरकंकाल। इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां कुंडा में नरकंकाल मिला है सकते में पुलिस। आपको बता दें, पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को डीएनए जांच की किया संस्तुति। अनहोनी को लेकर चर्चा का माहौल गर्म। खबर प्रतापगढ़ के कुंडा से है, जहां प्रतापगढ़ के कुंडा में मानव नरकंकाल मिलने से जिले के प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। बरामद नरकंकाल में मानव सिर की पहचान होने से पुलिस के माथे पर खासा बल पड़ा दिख रहा है। वहीं इलाके में मानव नरकंकाल की बरामदगी की सूचना फैलते ही हड़कंप का माहौल देखा गया। कुंडा कोतवाली के रजनपुर गांव में कूड़ा घर के पास शुक्रवार की रात एक मानव नरकंकाल को देखते ही ग्रामीणों को सांप सूंघ गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। नरकंकाल की बरामदगी की जानकारी पुलिस को हुई तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच पड़ताल में माथा खपाने लगी। पुलिस को नरकंकाल के बगल ही मिला एक ट्रैक सूट किसी बड़े अनहोनी की भी आहट दे गया है। सीओ कुंडा अजीत कुमार सिंह और कोतवाली उदय प्रताप सिंह भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने नरकंकाल के सिर को कब्जे में ले लिया है। पुलिस बरामद नरकंकाल की फॉरेंसिक टीम से डीएनए जांच का भी अनुरोध कर चुकी है। वहीं कुंडा पुलिस की सूचना पर आसपास के थाने को भी हाल ही में किसी व्यक्ति गुमशुदगी के बाबत छानबीन करने को कहा गया है। कुंडा क्षेत्र में नरकंकाल की बरामदगी को लेकर लोग किसी गंभीर अपराध की भी कयास लगाते देखे गए। सीओ कुंडा अजीत का कहना है कि नरकंकाल का बरामद सिर काफी छत-विछत है, ऐसी स्थिति में फॉरेंसिक टीम की जांच के आधार पर पुलिस आगे बढ़ सकेगी। प्रयाग एक्सप्रेस ने उसके लिए प्रतापगढ़ से संवाददाता विनय कुमार तिवारी की रिपोर्ट।